नमस्ते, मैं सोनल चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम बना रहे हैं वो है फेयरी हाउस। इसके लिए मैंने कुछ एमसील यूज़ की है, एक ग्लास का बड़ा जार और एक बड़ा दिया। और इसकी जो डोर है और विंडोज़ है वो मैंने एमसील से ही बनाई है। तो फेयरी हाउस जो होता है वो आप अपने गार्डन में रख सकते हैं, बड़े जो गमले होते हैं बहुत हरे भरे, उनके बीच में ये अगर रखा जाए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। इसके ढक्कन को मैंने पूरी तरह से फिट नहीं किया है, इसे हम खोल सकते हैं ताकि आगे जाकर अगर आप चाहें इसमें कि लाइट लगाना तो आप इसमें लाइट भी ऐड कर सकते हैं। ये पीस जब पूरा बन जाता है तो ये काफ़ी हैवी लगता है। आगे जाके मैंने इसमें वाइट सीमेंट का भी यूज़ किया है और वाइट सीमेंट से इसके जो आसपास के जो पत्थर वगैरह है, जो स्टोन है बड़े बड़े, वो मैंने इसको वाइट सीमेंट से ही बनाए हैं। तो एमसील से अब जो एक बार बना लेते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। एमसील की एक बात ध्यान रखने की बहुत बात है कि एमसील जो होती है वो दो चीज़ें उसको मिलानी पड़ती है और आप उसको जब तक मिलाए जब तक उसमें से हीट ना आने लगे। जैसे ही उसमें हीट आने लगती है या आपको हीट फील होने लग जाती है उसके बाद उसे यूज़ कर लेना चाहिए। वैसे डायरेक्ट हमें आवश्यकता नहीं है कि हम इसके अंदर फेविकॉल का यूज़ करें, ये डायरेक्ट ही अप्लाई किया जा सकता है। तो एमसील से ही मैंने इसका डोर बनाया है और ये वुडन डोर बनाने के लिए मैंने स्केल से एक सिंपल सा इसे लुक दिया है कि ये डोर बन जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आप ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई करेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम पैसों में ये बन जाता है, तो इसे ज़रूर बनाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके जो एमसील की कुछ कवर रह गए थे उसको मैंने लगाते हुए इसकी स्टेयर्स भी रेडी कर दी थी और उसके बाद जो स्टोन है वो मैंने बिरला वाइट सीमेंट से बनाई है और उसको सिर्फ मैंने पानी से एक डो तैयार किया है और उसके स्टोन चारों तरफ मैंने इसके बना दिए हैं। उसके बाद मैंने इसकी कलरिंग स्टार्ट की है। 'Cause I'm a real love with you when I'm the-